करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज, मैं हूं आशीष कुमार सिंह। आज से 250 साल लगभग पीछे 1770 ईस्वी में पूर्णिया जिला का स्थापना हुआ था, जिसके बाद पूर्णिया ने न जाने कितने तरक्की किए हैं, बैलगाड़ी से सफारी तक का सफर तय किए हैं। पूर्णिया की अगर मैं बात करूं तो पूर्णिया में कई सारे पर्यटन स्थल भी है। पूर्णिया शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे पूरन देवी मंदिर पूर्णिया के प्रसिद्धता में 4 चांद लगाता है। वहीं अगर पर्यटन की बात करूं तो पूर्णिया का उद्यान और पंचमुखी मंदिर यहां के पर्यटन को और सुशोभित करता है। पूर्णिया की अगर बात करूं तो पूर्णिया 3229 वर्ग किलोमीटर में फैला जिला, 246 पंचायत और 1450 गांव है। आज पूर्णिया 253वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसमें न जाने कितने लोग अपना योगदान दे रहे हैं। पूर्णिया को पूर्णिया बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं पंद्रमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा। आज स्थापना दिवस पूरा जिला मना रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले मैं पंद्रमा ग्रुप, पंद्रमा परिवार की तरफ से पूर्णिया वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ स्थापना दिवस की। और मैं बता दूं कि ये पूरे हिंदुस्तान का जो 5 जिला था उसमें सबसे पुराना जिला में से एक है पूर्णिया। और पूर्णिया का क्षेत्रफल बहुत लंबा था, पहले इसका नाम पुरेनिया था, पुरेनिया से पूर्णिया हुआ है। और पूर्णिया को सबसे पहले काला पानी का जो किसी को पनिशमेंट देना होता था किसी पदाधिकारी को, तो पूर्णिया भेज दिया जाता था कि इसको पनिशमेंट के रूप में हम पूर्णिया प्लेसमेंट कर रहे हैं। अब वही पूर्णिया एक अलग रूप में, एक अलग अंदाज में उभर के आया है। और आप देखेंगे तो पटना के बाद यदि किसी का निगाह है तो हमारे पूर्णिया पे है। पहले रिंच और सिरिंच के नाम से जाना जाता था पूर्णिया, अब वैसी बातें नहीं है। रिंच सिरिंच के अलावा ये पूर्णिया हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। आप रियल एस्टेट की बात भी करेंगे तो आप जब पूर्णिया आएंगे तो लगेगा हम किसी दिल्ली नोएडा में, किसी गुरुग्राम में या किसी बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में है। एक अलग फील देगा आपको, हाईवे से जब आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा किसी हम बड़े टाउन में है और किसी मेट्रोपॉलिटन में है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी काफी ग्रोथ है हमारे यहाँ। यूनिवर्सिटी कई बन गया है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओवरऑल आप देख पाएंगे कि रिटेल की भी बात करें तो ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो पूर्णिया में नहीं है। पूर्णिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि पूर्णिया आप देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। इसमें एक्सटेंशन बाकी था, यहाँ का ग्रोथ रुका हुआ था किसी कारणवश, लेकिन अभी काफी तेजी से 4-5 साल से पूर्णिया बदल रहा है। और इसमें इस सोसाइटी के निर्माण में, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में सबकी कहीं ना कहीं, चाहे वो व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, फूड ग्रेन वाले हो, सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले आप देखते होंगे कि सिर्फ मक्का का व्यापार ट्रेडिंग करते थे हम लोग यहाँ, लेकिन अब यहाँ मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट खुल गया है, जो मुर्गी दाना होता है वो सब बनना स्टार्ट हो गया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का भी काम स्टार्ट हो गया है। बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं और ये ऐतिहासिक धरती है पूर्णिया। और ये सेवन सिस्टर्स को कहीं ना कहीं किसी को यदि जाना है तो पूर्णिया एक गेटवे है हमारा नॉर्थ ईस्ट का। मतलब विदाउट पूर्णिया आप मिस करके आप चाहेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट चले जाए वो भी संभव नहीं है। आप झारखंड को कनेक्ट कर रहा है पूर्णिया, यहाँ से 30-35 मिनट आप झारखंड पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल आप जब देखेंगे पूर्णिया के बाद कनेक्टिविटी से, रोजगार की बात करें तो वो भी काफी तेजी से यहाँ लोगों को मिल रहा है। तो इसके स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को, जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और सबसे अपील भी करता हूँ कि आप पूर्णिया आए, अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप पूर्णिया को देखें, यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आप ऑटोमोबाइल्स की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ सारे शोरूम्स हैं, यहाँ रिटेल की बात करें सारे शोरूम्स हैं। आप पूर्णिया आए और पूर्णिया को विकसित करते। सर, आप जिस समय पूर्णिया आए थे उस समय की तस्वीर और आज के पूर्णिया की तस्वीर में क्या अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, जब मैं आया था, मैं तो बहुत पहले आया था, लगभग 99 की बात करूं मैं, आज से ये 25 साल पहले आया था मैं। उस टाइम में पूर्णिया कमिश्नरी था, अच्छा ग्रोथ था और धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। उस टाइम में जब मैं आया था, जो जमीन 10-40 हजार रुपए कट्ठा था वो जमीन आज 30 लाख रुपए कट्ठा है। आप जरा सोचिए, उस टाइम में 40 हजार रुपए कट्ठे का जमीन आज 30 लाख रुपए कट्ठा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्णिया किस तरफ जा रहा है। मतलब एप्रिसिएशन की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें,
ऑटोमोबाइल्स की बात करें, पहले 200-300 डॉक्टर हुआ करते थे, आज के डेट में आईएमए में रजिस्टर्ड है 800 डॉक्टर, मतलब हजारों की तादाद में डॉक्टर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत बड़ा है। पहले मधेपुरा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, अभी पूर्णिया अपना यूनिवर्सिटी हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया। मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो लगभग 10,000 फुटफॉल पर डे का बढ़ जाए। फूड ग्रेन का बहुत पहले से मार्केट है, सब्जी मंडी बहुत पहले से है, लेकिन अभी चीजें मॉडर्न की तरफ, मेट्रोज की तरफ, जो कल्चर है मेट्रो सिटी का, उसके तरफ पूर्णिया बढ़। जी बिल्कुल सर, आपकी अगर बात करूं, पनोरमा ग्रुप की अगर बात करूं, तो पूर्णिया को स्मार्ट पूर्णिया बनाने में लोगों का कहना है कि बहुत योगदान दे रहे हैं, तो आपकी क्या क्या प्लानिंग आज तक पूर्णिया में रही है और आगे क्या पूर्णिया को मिलने वाला है? फिर देखिए मैं आपको बताऊं, रियल एस्टेट का मार्केट जब हम लोग आए थे तो नहीं थे, तो मैं पढ़ने के लिए आया था, जब मैं 99 की बात कर रहा हूँ, 98 के उस टाइम में पढ़ाई के लिए आया था, लेकिन बिजनेस के पर्पस से मैं 2016 में आया था। ईमानदारी की बात यह है कि मैं जमीन बेचने आया था, मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट था पूर्णिया में, मैं सेल करने के लिए आया था। तो मैंने जब मार्केट पता किया कि रेट क्या हो सकता है, तो मैं बहुत दंग रह गया कि भाई इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे हो सकता है इसी शहर में। तो हम जमीन बेचने के लिए आए और यहाँ रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर दिया, इसीलिए भी यहाँ अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा था। हमने देखा यहाँ डिमांड भी है, पब्लिक का जब हम सर्वे किए तो पब्लिक चाह रहे थे कि हमको सोसाइटी में घर मिले, जिसकी शुरुआत हमने 2016 में की, और आप आज देखेंगे कि हमारे यहाँ जगह जगह, कई जगह हमारा काम चल रहा है, कई प्रोजेक्ट हमने हैंड ओवर किया है, लेकिन डिमांड जितना 2-3 साल पहले था उससे ज्यादा डिमांड आज के डेट में, मतलब जितना डिमांड है उतना हम सप्लाई नहीं दे पा रहे, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई, चूंकि हमारी एक लिमिटेशन है कि हम एक साल में इतना ही मकान बना पाएंगे, हमारी एक क्षमता है, क्योंकि मेन पावर का काम है, मशीन से कितना काम कीजिएगा, कहीं कहीं आदमी की जरूरत होती है वहां, तो हमारी एक क्षमता है कि हम एक साल में 500 मकान ही बना पाए, तो लेकिन हमारा डिमांड ज्यादा है, मतलब इतना डिमांड है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो स्मार्ट सिटी की जो बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट की तरफ से भागलपुर बनना था, किसी कारण बस नहीं बन पाया, पूर्णिया का नाम नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, ठीक है भागलपुर भी अच्छा कर रहा है, मुजफ्फरपुर भी अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं सेकंड लार्जेस्ट सिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं उस रूप में हम पूर्णिया को देखें। सर अगर आपका प्रोजेक्ट का बात करूं तो पनोरमा सिटी एक प्रोजेक्ट लोगों ने बताया कि बहुत ही शानदार रहा आपका, तो अब पूर्णिया में एक ई होम्स का आपका प्रोजेक्ट भी चल रहा है, क्या लोगों को किस तरह से मुहैया हो पाएगा अगर कोई चाह रहा है वहां तक पहुंचने? तो पनोरमा सिटी, पनोरमा हाइट और भी कई प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, निक प्रोजेक्ट भी है, हमारा कई प्रोजेक्ट है, लेकिन पनोरमा सिटी की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसेस, और ई होम्स की बात करें तो वो काफी लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ लोगों का डिमांड था, जो भी लोग हैं, कि भाई हमको भी एक ऐसा सोसाइटी चाहिए जिसमें हम कस्टमाइज बिल्डिंग बना पाए, मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, वो चीज हमने ई होम्स में दिया है, और उसको थोड़ा सा मॉडर्न और पुराने चीजों को मिक्स करके हमने इलेक्ट्रॉनिक होम्स का वहाँ शुरुआत की, और हम लोगों को थोड़ा सा मन में संशय और भय भी था कि पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा जान करके, जितना तेजी से हमारा अफोर्डेबल हाउस बिका था, कहीं ना कहीं उससे तेजी से हमारा बना भी और बिका भी ई होम्स। ई होम्स एक एक नया रूप लेके आया है, कोसी सीमांचल की बात करूं मैं, पूरे मिथिलांचल की बात करो या पूरे बिहार की बात करो, एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में दिख रहा है। सर आप रियल एस्टेट के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, क्या पूर्णिया में भी वो चीज देखने को मिलेगा? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, साफ एकदम कंसेप्ट मेरा क्लियर है कि जो भी करना है मुझे छातापुर में करना है ग्रेजुएशन, ठीक है, हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ पूर्णिया में करें, लेकिन अभी मेरा 100% यहां है कि रियल एस्टेट का कारोबार हम लोग पूर्णिया में करेंगे, और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है वो हम छातापुर में करेंगे, क्योंकि छातापुर बहुत पीछे है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, उन्हीं के लिए हम वहां विद्यालय बनाए हैं, और आगे कॉलेज का भी जो निर्माण कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो बाहर बच्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोगों को हम वहाँ कॉलेज बना करके चाह रहे हैं कि वहाँ के बच्चे वहीं पढ़ाई करें। सर आपके द्वारा दिया गया जितना भी जानकारी अभी हमारे दर्शक सुन रहे होंगे उसमें कई सारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से संघर्ष किया है वो वाकई प्रेरणादायक है, तो जो नए उद्यमी पूर्णिया में अपना उद्यम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, किस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाएं ताकि वो पूर्णिया को भी आगे बढ़ाएं और खुद को भी? देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस का कॉपी करें, आपका जो कंसेप्ट कहता है, बहुत ऐसा जगह है, बहुत ऐसा एरिया है जो खाली है,
और उसमें युवक क्या कर रहे हैं आज के डेट में, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा उसका रेस्टोरेंट खुला था, हम भी खोल लेंगे। मैं एक ही बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आप कॉपी पेस्ट प्लीज ना करें। आपको जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है उसी सेक्टर में आप काम करें। आज चाय का व्यापारी 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। कोई काम आज के डेट में छोटा नहीं है। पहले ये था कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, अब वो बातें नहीं है। आपको जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है, रिटेल की तरफ काफी हमारे युवक अभी मूव कर रहे हैं, रिटेल में अपार संभावना है। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा युवक को, जहां जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, आपको जहां इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाए, कॉपी पेस्ट ना करें। और आप जहां जाएंगे, आप कोई नहीं सोचा होगा कि पानी, हमारे कोसी सीमांचल में पानी का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिस्लरी किनरी जैसे बहुत ऐसी कंपनी जो 500 करोड़ 700 करोड़ का यहाँ ट्रेडिंग कर रही है और पानी का कोई कमी नहीं हमारे यहाँ। पानी से हम लोग परेशान है, दूसरी तरफ 20 रुपए लीटर पानी खरीद रहे हैं। ये पानी नहीं बिक रहा है, कंसेप्ट बिक रहा है। आप गांव में मैं देखता हूँ कि 20 रुपए 30 रुपए बोतल लोग खरीद करके पानी फिर पीते हैं। तो वो चीज अब नहीं रह गई है। सबके पास अच्छा संसाधन है, लोग अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और चीजें काफी तेजी से तस्वीर बदल रहा है। बिहार की दिशा काफी तेजी से बदल रहा है। अभी भी कुछ कमी है जिसको हम लोग धीरे धीरे सुधार करेंगे। और आगे जो युवक है अभी बहुत बेहतर कर रहे हैं। मैं कोसी सीमांचल की बात करूं तो बाहर से लोग जो युवक काम कर रहे थे आफ्टर कोविड, उनको समझ में आ गया कि नहीं, हमको अपने घर में काम करना चाहिए। घर अपना घर होता है। अभी जो भी लोग बाहर थे तो काफी तेजी में आप देख रहे हैं कि अपने छोटे से जगह में, गांव में, जिसको जो सुविधाएं मिल रही, अपॉर्चुनिटी मिल रही, लोग अपना व्यापार का एक्सपेंशन कर रहे हैं। आप यदि आंकड़ा देखेंगे, गवर्नमेंट का मुद्रा लोन की आंकड़ा देखेंगे, या जो गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहे थे, या जो व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन कराते थे, उसका अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, लोग व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप की बात करें तो काफी तेजी से लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके बैंक लोन लेकर के अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी बिहार का मैं बताऊं आपको, चीजें काफी तेजी से बदल रही है। लोगों का जो मन में एक वाय था कि नहीं, हमको बिहार में व्यापार नहीं करना, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग आ रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। सर अगर देश की बात करूं तो बॉलीवुड के क्षेत्र में भी कई कलाकारों को पूर्णिया ने दिया है। बीते दिनों सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई थी, उनका पैतृक गांव भी पूर्णिया ही है। और आजकल एक नए युवा भी पूर्णिया से निकलकर बॉलीवुड में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना हाथ आजमा रहे हैं। आज स्थापना दिवस है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हर एक सेक्टर में पूर्णिया और कोसी के बच्चे काम कर रहे हैं। चाहे वो मैं किसी बहुत बड़े पदाधिकारी की बात करूं, चाहे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बात करूं, बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन की बात करूं, तो हमारा पूर्णिया और कोसी सीमांचल के बच्चे बहुत ऊंचे पायदान पे हैं। लेकिन थोड़ी सी क्या कमी है कि लोग वहां बाहर जाके अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में उनका कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, अपील करूंगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, आप कीजिए। आप बॉलीवुड में काम कर रहे कीजिए, लेकिन अपने क्षेत्र में जिस मिट्टी से आप जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, वहां के लिए भी कुछ ना कुछ आपका एक्टिविटी होना चाहिए, ताकि हमें फक्र हो कि हमारे पूर्णिया के, हमारे सुपौल के, हमारे अररिया सहरसा सुपौल के बच्चे बाहर जाकर के अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को जानकारी नहीं, हमारा सुपौल से, पूर्णिया से बहुत ऐसे लोग हैं जो 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। एक आनंद भैया है, वो कजरिया के लिए काम करते हैं, माउंटेन ड्यू के लिए काम करते हैं। बहुत ऐसे कलाकार है, बहुत ऐसे स्पोर्ट्समैन है कि जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोग वहां लोकल लेवल पे नहीं जान रहे। तो उनकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रीय में होना चाहिए, ताकि हमें भी फक्र हो कि भाई हमारे पूर्णिया से भी, हमारे सुपौल से भी जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ करके इतने अच्छे ऊंचाई पे चले गए हैं। तो आप जब यहाँ कुछ एक्टिविटी करेंगे तो हमारे समाज को भी फक्र होगा आप पे और गर्व महसूस होगा। तो आपकी एक्टिविटी हमारे क्षेत्र में जरूर होनी चाहिए। सर 253वां स्थापना दिवस है, बैलगाड़ी से सफारी तक का सफर पूर्णिया ने तय कर लिया है, अब हवाई जहाज का सफर पूर्णिया को कब तक मिलेगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हवाई पूरा हो गया रहता है और आसपास के जितने भी जिले हैं उन लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलता। और हम लोग जो काम कर रहे हैं या जो भी बड़े बिजनेस टाइकून है यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत। सर आपकी आवाज, सर आपकी आवाज क्लियर, सर टोकना चाहेंगे बीच में, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। एयरपोर्ट की जरूरत है, जिसके लिए संघर्ष जारी है, कर रहे हैं। और यहाँ का जो आम आवाम है उसका भी
अब आवाज उठने लगा है। बहुत ऐसे संगठन है, अभी चार दिन पहले हम लोगों ने एक मीटिंग की थी यहाँ लायंस क्लब में, और जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, व्यापारी हैं, सभी लोग आए थे। तो ये रनवे वगैरह भी बन गया है, काफी काम हो गया यहाँ, और बहुत जल्दी, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी का यहाँ पूर्णिया आगमन हुआ था समाधान यात्रा पे, तो उनसे भी ये पत्रकार बंधु ने सवाल किया था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम हर तरह से रेडी है, हमने लैंड एक्वायर करके दे दिया है, रास्ता की जो समस्या है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी पूर्णिया में भी एयरपोर्ट स्टार्ट। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा, जिन्होंने बहुत सारे जानकारी साझा की और युवाओं के लिए कई सारे राज भी बताए और कई सारे बात भी उन्होंने कहा, ताकि पूर्णिया ही नहीं अपने अपने क्षेत्र में युवा योगदान देकर वो अपने आप को, अपना जिला को, अपने राज्य को और अपने देश को आगे बढ़ाएं। आज पूर्णिया का 253वां स्थापना दिवस है, इस मौके पर सभी को आकाशवाणी न्यूज के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारा ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज के साथ। नमस्कार। साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।